गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस ऑफ स्काई इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सिविक्स लेसन नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गवर्नमेंट. ओके, आज हम इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए यू ऑल जस्ट ओपन पेज नंबर 201, टेक पेंसिल्स इन योर हैंड एंड लेट्स स्टार्ट विद मी. ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब हम जानते हैं सरकार होती है, ठीक है. कम ऑन द फर्स्ट हेडिंग एंड द फर्स्ट हेडिंग इज द नीड फॉर गवर्नमेंट, कि हमको गवर्नमेंट की आवश्यकता क्या है, ठीक है, क्यों पड़ती है आवश्यकता. द टर्म गवर्नमेंट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल सिस्टम हु लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल हु इलेक्ट देम. क्या है गवर्नमेंट, जो है गवर्नमेंट जो टर्म है वो ग्रुप ऑफ अ पीपल इन द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे लोगों का ग्रुप है जो आम जनता की देखभाल करती है, जिनको आम जनता क्या करती है, चुनती है. एवरी कंट्री रिक्वायर्स अ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, इन्फोर्स देम एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. प्रत्येक देश जो है वो क्या करता है, अपनी सरकार को बनाता है, उसको सरकार की आवश्यकता होती है ताकि वो सरकार कुछ नियम को बनाए, उनको इन्फोर्स करे और इंश्योर करे कि ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये जनता के हित में हैं कि नहीं, उनके वेलफेयर में हैं कि नहीं. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस. अब गवर्नमेंट का क्या काम है, सरकार क्यों बनाती है पब्लिक, और जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उसको हम यहाँ पे कई पॉइंट्स में पढ़ेंगे. इट बिल्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग रोड, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पार्क्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज. ये सरकार का काम है कि सरकार जो है एक देश के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे और लोगों को सड़क है, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, साफ पानी पीने की, पार्क और पब्लिक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराती है. इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स फॉर इरेडिकेटिंग डिजीजेज, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एजुकेशन. पब्लिक का ये काम भी है कि लोगों को बीमारियों से, बीमारियों जो डिजीजेज होते हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, उनसे बचाना, नए नए प्रोजेक्ट्स लाना ताकि लोगों को उससे बचाया जा सके, और एक अच्छा हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराना. इट फ्रेम्स लॉज विच बेनिफिट पीपल एंड गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड लॉ ऑफ द लैंड. ये क्या करता है, ये एक नियम कानून बनाता है जिससे लोगों को लाभ हो और पूरा देश जो है नियम के आधार, नियम कानून के आधार पे अच्छे से जो है प्रोग्रेस कर सके. इट प्रोवाइड्स रीलाइफ एंड एड टू पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर एज सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, ड्रॉथ एंड सुनामी. जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों को जो राहत सामग्री है, जो सुविधा है, जो प्राथमिक सुविधा है, वो सब जो है गवर्नमेंट का ही काम है, उनको एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड कराना. ओके स्टूडेंट्स, इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड पनिशेस दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ. क्या करता है, ये लॉ एंड ऑर्डर को जो है प्रोवाइड कराता है जनता को और उन लोगों को दंडित करता है जो लोग इस लॉ ऑर्डर को मानते नहीं है, ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री एंड मेंटेन्स पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज. ये क्या करता है, देश की सीमा को दुश्मनों से बचाता है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण एक अच्छा संबंध बनाए रखना जो है ये भी किसका है, गवर्नमेंट का ही काम है. अब आइए हम देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार जो है वो कितने स्तर पे काम करती है हमारे देश में. द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स, 3 अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, ठीक है. एट द लोएस्ट लेवल इज द लोकल गवर्नमेंट, इज अ विलेज और अ टाउन विच डील्स विद लोकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल. ये क्या है, ये हमारा सबसे लोएस्ट लेवल का जो गवर्नमेंट है, ये हमारा शहर और गांव का जो सरकार होती है, लोकल प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करती है लोगों के, ये हमारा सबसे लोएस्ट लेवल का लोकल गवर्नमेंट है. उसके बाद आता है द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. राज्य स्तर पे जो सरकार है उसको हम राज्य सरकार कहते हैं. एट स्टेट लेवल द गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स विच आर इम्पॉर्टेंस टू द एंटायर स्टेट. ये उस प्रॉब्लम्स को डील करती है, उस मामलों को डील करती है जो पूरे राज्य के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था. एट द नेशनल लेवल इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सबसे केंद्र की सरकार होती है, केंद्र स्तर की, उसको हम केंद्रीय सरकार कहते हैं. विच जनरली डील्स विद इशूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज नेशनल सिक्योरिटी. ये देश के जो केंद्रीय महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इशूज़ हैं, उन पर ये डील करती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जो उसका जो मामला है, ये केंद्र सरकार का ही काम है. नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 202. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज. सरकार का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, काम है,
नियम बनाना. द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द लॉज ऑफ द लैंड आर ओबेड बाय द पीपल, और ये भी चेक करती है कि लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं. वेन लॉज आर वायोलेटेड और कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स एरप्ट, द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर टू पनिश द कल्प्रिट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. जब भी कोई द्वंद होता है, कभी कोई हिंसक काम होता है, तो सबसे अलग अलग समूहों के बीच में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने पावर का प्रयोग करती है और जो लोग भी इस तरह का, मतलब जो उसमें अपराधी होते हैं उनको पनिश करती है और जो द्वंद उत्पन्न हुआ है उसको रिजॉल्व करने का काम करती है. द पीपल ऑन देयर पार्ट कैन टेक वेरियस एक्शंस इन केस दे फील दैट सम इनजस्टिस हैज़ बीन डन टू देम और पर्टिकुलर लॉ हैज़ नॉट बीन फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. इसके अगर हम देखें तो गवर्नमेंट तो अपना काम करती ही है, लेकिन अगर जनता को भी ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या गवर्नमेंट किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही है, तो पब्लिक भी उसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकती है. दे कैन गो टू द कोर्ट एंड पुट फॉरवर्ड देयर ग्राइवेंस. क्या कर सकती है, वो कोर्ट जा सकती है और अपने ग्राइवेंस को वहाँ पे जो है शो कर सकती है. टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस द गवर्नमेंट नीड्स मनी विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. ये जितना भी जो फैसिलिटी गवर्नमेंट हम लोग को अवेलेबल कराती है, एजुकेशन का, मेडिसिन का, या फिर रोड है, पार्क्स हैं, ये एजुकेशन है, तो इसके लिए उसको पैसे कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट को ये पैसा हम टैक्स के रूप में पे करते हैं. टैक्सेस आर कलेक्टेड ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, टोल टैक्स, सेल टैक्स, गुड्स सोल्ड एंड एंटरटेनमेंट टैक्स. ये टैक्स हम किस किस रूप में देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं हम जब हाईवेज पे सफ़र करते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं सामान पे, और हम एंटरटेनमेंट टैक्स जब हम जाते हैं ना मूवी वगैरह देखने, तो उस पर भी हमको टैक्स पे करना होता है. दिस मनी इज इशूड टू मेंटेन रोड, ट्रेन, पार्क, पोस्ट ऑफिस एंड प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल. इस टैक्स से जो पैसा आता है उसको गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, एक्सपेंड करती है, रोड्स को मेंटेन करने में, ट्रेन्स के रिपेयर में, रेल ट्रैक्स के बनाने में, पार्क्स में, पोस्ट ऑफिसेज में और अदर सर्विसेज आम जनता को प्रोवाइड करने में. अब आइए हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने तरह के गवर्नमेंट होते हैं. यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इन्फोर्सिंग ऑर्डर इन सोसाइटी. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि सरकार क्या करती है, नियम कानून को बनाती है, जो द्वंद है उसको रिजॉल्व करती है और ऑर्डर्स को सोसाइटी में इन्फोर्स करती है, लागू करती है. हाउएवर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अलग अलग, हम देख रहे हैं कि सरकार कई तरह की होती है, जैसे डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक सरकार, मोनार्चियल एंड डिक्टेटोरियल. ठीक है, तानाशाही जिसको कहते हैं डिक्टेटोरियल. लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल्स. आइए अब उसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मोनार्ची. एब्सोल्यूट मोनार्ची इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मोनार्च एक्सरसाइजेज अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी. ही शी हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल पावर ओवर द स्टेट. क्या होता है इसमें, जो राजा या रानी जो भी होता है, मोनार्च होता है, उसी के पास सारे पावर होते हैं. वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन आदि से बंधा नहीं होता है और वो जो चाहे वो स्टेट के लिए जो है अपना डिसीजन ले सकता है. ये एब्सोल्यूट मोनार्ची. ऐसे मोनार्च किसी रूल रेगुलेशन, पॉलिटिकल पावर इसका जो है सब इसी का है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ये बंधा हुआ नहीं होता है. अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और लिमिटेड मोनार्ची, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल को हम लिमिटेड मोनार्ची भी कहते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ मोनार्च एक्ट्स एज द हेड ऑफ द स्टेट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे भी जो हेड कौन है, वो मोनार्च ही है, लेकिन वो जो भी काम करता है उसका एक पैरामीटर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होता है. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफर्स फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्ची इन विच एन एब्सोल्यूट मोनार्च सर्व्स एज द सोर्स ऑफ पावर इन द स्टेट. ये एब्सोल्यूट मोनार्ची से डिफरेंट है, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्ची में जो मोनार्च होता है वो कोई भी जो है रूल रेगुलेशंस को फॉलो, कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो नहीं करता है. बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में मोनार्च को कुछ नियम कानून के में बंध के काम करना होता है. यूनाइटेड किंगडम इज एन एग्जाम्पल वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इज प्रैक्टिस्ड. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है. अब हम आते हैं, देखते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही. When a country is ruled by one person who does what he feels like without paying any attention to the wishes of the people, it is called a dictatorship. जब पूरे देश को एक आदमी चलाता है और वो एक आदमी अपने हिसाब से चलाता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे किसी भी एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, लोगों को उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उनके हित में होगा कि नहीं होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं, तानाशाही कहते हैं. In this kind of government, people feels oppressed because the dictator does not follow any laws.
यहाँ पे लोग अपने आप को बहुत दबा हुआ, बहुत हीन महसूस करते हैं, बहुत ही सताए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिक्टेटर होता है वो बिल्कुल अपनी जनता के बारे में सोचता ही नहीं है। एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिक्टेटर इन हिस्ट्री। अगर हम देखें तो अपने इतिहास में हिटलर को जो है जाना ही जाता है एक बहुत बड़े तानाशाह के नाम से, जो कहाँ का था, जो जर्मनी का था। एंड नाउ कम ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, ये एक इस तरह की सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्राप्त है। पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स हु इन टर्न टेक डिसीजंस एंड फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। इसमें लोग क्या करते हैं, लोग अपने नेता को चुनते हैं, वो नेता क्या करता है, अपनी जनता के लिए निर्णय लेता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों के हित में काम करता है जिन्होंने उसको चुना है। दैट इज़ वाई आवर कंट्री हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ओके स्टूडेंट्स, इन अ नटशेल द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है। पीपल आर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपना लीडर खुद चुन सकते हैं, ठीक है। पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हर व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के बारे में वो अपनी विचार की अभिव्यक्ति, ठीक है, खुले रूप से कर सकता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल्स वेलफेयर एंड हैज टू प्रोवाइड आंसर्स फॉर इट्स एक्शन। लोगों के हित के लिए कौन जिम्मेदार है, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है और उसको आंसरेबल होना पड़ेगा अपने एक्शंस के लिए। ऑल ऑफ यू कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 203 एंड द हेडिंग इज डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड एल्सवेयर। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी और अदर कंट्रीज की डेमोक्रेसीज के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। द टू मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसीज आर, दो मेन प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है डेमोक्रेसी का, हम देखते हैं। एक तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी, हर व्यक्ति को जो है राजनीतिक समानता प्राप्त हो और फ्रीडम, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दैट मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही दो रीजंस हैं, मेन रीजंस हैं जिससे के कारण जो है जितने भी कंट्रीज हैं उसमें ज़्यादातर के पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। In many countries, people have struggled for a long time and made enormous sacrifices in order to have a democratic government. इसीलिए बहुत से देशों में लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत sacrifices दिया ताकि उनके यहाँ क्या हो सके, किस तरह की सरकार हो सके, लोकतांत्रिक सरकार हो सके। Many more countries are still carrying on this struggle so that they may achieve democracy. अभी भी बहुत से देश ऐसे हैं जो स्ट्रगल में लगे हुए हैं ताकि उनके यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए। In today's world, we do not have direct democracy where all the people participate in choosing their leaders. अभी तो हमारे यहाँ बेटा direct democracy नहीं ना है, क्योंकि हमारे यहाँ की population इतनी बड़ी है कि direct democracy हो ही नहीं सकती है। The size of the countries and the large population makes it impossible to involve all the people directly in decision making. सही बात है, इतना बड़ा हमारा देश और इतनी ज़्यादा इसकी जनसंख्या है कि हम direct decision making में part नहीं ले सकते। सो वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस एंड आर इन्वॉल्व इन मेकिंग लॉज। जहाँ पे क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं और फिर उनका जो प्रतिनिधि होता है वो जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। ओके स्टूडेंट्स, मत डालने का अधिकार, मत का अधिकार। इट गिव्स पीपल द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये लोगों को ये अधिकार देती है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सकें। इन अ डेमोक्रेसी एवरी पर्सन इज इक्वल एंड वोटिंग इज इक्वली अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या है हमारे डेमोक्रेसी में, प्रत्येक व्यक्ति समान है और सबके लिए जो वोट डालने का अधिकार है वो भी समान है। किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। If anybody is denied this right, it is violating their right to equality. अगर कोई भी व्यक्ति इसको कहता है कि हम वोट नहीं डालेंगे तो वो क्या कर रहा है, अपनी समानता के अधिकार को वायोलेट कर रहा है। This right to vote, the right to vote increases a person's self-respect, dignity and sense of responsibility. इसको बढ़ा देता है भाई, हम जिम्मेदारी बढ़ जाती है आदमी की। A democracy gives its people the right to vote.
जो डेमोक्रेसी है वो लोगों को मत डालने का अधिकार देती है एंड सेलेक्ट अ पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और एक पार्टी चुनने का अधिकार देती है जो सरकार बना सके, और टू वोट अ गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर। ओके स्टूडेंट्स, टिल द 20th सेंचुरी नॉट ऑल कंट्रीज प्रैक्टिस यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। ठीक है, 20th सेंचुरी तक सब जो कंट्रीज हैं वो जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए मतलब पार्टिसिपेटेड नहीं थे। इन द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज ओनली पीपल विद प्रॉपर्टी एंड वेल्थ कुड वोट। शुरू में क्या था, सारे लोग, सारे कंट्रीज जो थे वो वोट डालने का अधिकार सारे लोगों को नहीं प्राप्त था। सारे कंट्रीज में सारे लोगों को मत डालने का अधिकार नहीं था, वहाँ सब जगह कुछ रूल रेगुलेशंस थे। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी थी वहाँ पे एक रूल था कि जिसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रॉपर्टी होगी, वेल्थ होगा, वही वोट डाल सकता है। सिंस वुमेन वर नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी, वोटिंग वॉज अलाउड ओनली फॉर माइनॉरिटी ऑफ द रिच मेल पॉपुलेशन। समझ में आ गया आपको, महिलाओं को मत डालने का अधिकार नहीं था क्योंकि उनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, और माइनॉरिटी ऑफ रिच पीपल मेल जो पॉपुलेशन था वही जो है वोट डाल सकता था। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इंट्रोड्यूस्ड एडल्ट फ्रेंचाइज ओनली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले जो वर्ल्ड वॉर के बाद है, उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो जो है उनको मत डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में। देखिए इन 1918 ब्रिटेन ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ वुमेन, कुछ ही महिलाओं को अधिकार दिया वोट डालने का, दैट इज टू दोज हु एबव 30 ईयर्स, जो 30 साल के ऊपर थे। दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज रिमूव्ड ओनली इन 1928, और इस भेदभाव को 1928 में खत्म कर दिया गया। फ्रांस द लैंड ऑफ लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1948। और फ्रांस में कब हुआ ये मत डालने का अधिकार, कब दिया गया, 1945 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद। स्विट्जरलैंड विच प्रैक्टिस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिनाइड वुमेन द राइट टू वोट टिल 1973। सोचिए कि कितने दिन के बाद यहाँ पे जो है कितना यहाँ पे अन्याय हो रहा था लोगों के साथ। इंडिया एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वेन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन January 26, 1950। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ सारे व्यक्तियों को मत डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हु आर एवर 18 ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अपार्ट फ्रॉम वोटिंग देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। वोट डालने के अलावा भी हमारे पास बहुत से तरीके थे जिससे और भी गवर्नेंस में वो पार्ट कर सकते हैं। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट द पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट। लोग क्या कर सकते हैं, अपनी विचार की अभिव्यक्ति किसी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म बाई ऑर्गेनाइजिंग रैलीज डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स। अगर वो कुछ उनके हित में नहीं है या वो जनता किसी के खिलाफ है तो वो क्या कर सकती है, उसका क्रिटिसाइज कर सकती है। क्या कैसे शो करेगी अपने क्रिटिसिज्म को, रैली निकाल के या फिर हड़ताल करके जो है वो अपने आप अपना शो करेगी कि हम इसके हित, ये हमारे हित में नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज इन न्यूज़पेपर मैगजीन थ्रू टेलीविजन चैनल्स और थ्रू अपने बात को अभिव्यक्त करने के लिए वो न्यूज़पेपर का सहारा ले सकती है, मैगजीन्स का, और कभी कभी तो टीवी पे भी जो है चैनल्स पे वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकती है किसी चीज़ के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। When the prices of vegetables, petrols and other commodities go up considerably, people express their grievances through news channels. होता है ना, जब किसी चीज़ का दाम बढ़ता है पेट्रोल का सब्जी का तो क्या होता है, लोग अपने grievances को शो करते हैं न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। Letters are also write to the editors of newspapers and article relating to price hikes are published in the newspapers. और क्या होता है, पेपर में भी निकलता है कि इस चीज़ का दाम इतना बढ़ गया है, लोग अपने आर्टिकल्स को पेपर में छपवाते हैं। Such measures हाईलाइट द रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये चीज़ें शो करती हैं कि हाईलाइट करती हैं कि लोग जनता क्या है वो सरकार के खिलाफ है। अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज रिड्यूस अ लिटिल, थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या करती है जनता को संतुष्ट करने के लिए थोड़ा सा उसका दाम घटा देती है। हैंस इट इज़ क्लियर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर पब्लिक ओपिनियन सिंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ये शो करता है कि जो सरकार है वो
पब्लिक के किसी भी ओपिनियन को इग्नोर नहीं करती है, अनदेखा नहीं करती है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के विचारों को जाने और उनके हित में कार्य करे। हाउएवर सच प्रोटेस्ट आर नॉट ऑलवेज परमिटेड एंड नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज इन दिस मैनर। देयरफॉर पीपल एट अ टाइम में लीड सोशल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। होता है ना, हमेशा इस बात का हमको अधिकार थोड़े प्राप्त है कि हम कभी भी रैली निकाल लें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं और गवर्नमेंट से परमिशन लेके भी करते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट इन रैलीज के खिलाफ भी हो के, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, पुलिस वालों के द्वारा लाठी चार्ज की जाती है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। वन केस स्टडीज गिवन ओवर हियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू गो थ्रू दिस, ओके, रीड योर सेल्फ। नाउ ऑल ऑफ यू कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 205, एंड दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। सर्टेन ग्रुप्स सच एज द ट्राइबल्स और मेंबर्स ऑफ द oppressed caste women and members belonging to the minority communities organized movement to the create awareness in the society। क्या होता है, बहुत से कुछ विशेष समूह के लोग जैसे होते हैं ना, कि जो विशेष समूह के लोग या विशेष जाति के लोग, महिलाएं, जो ट्राइब्स वगैरह भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, माइनॉरिटीज़ ग्रुप के हो सकते हैं, वो कुछ मतलब मूवमेंट, कुछ उनके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चलाती है, जागरूकता अभियान कह सकते हैं। दे मे चैलेंज सम डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट और कम्युनिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर डिसकंटेंट। और लोग क्या कर सकते हैं, लोग सरकार के खिलाफ भी जो है, सरकार के निर्णय के खिलाफ भी जा सकते हैं, जिससे उनको लगता है कि सरकार जो है उनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है, उनके हित में कोई काम नहीं कर रही है। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर्स amongst people belonging to the different reasons, religion, classes or social backgroundings। बहुत बार होता है कि समाज में लोगों के ही बीच में द्वंद्व हो जाता है, जो अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग समूह के होते हैं या अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड के होते हैं। ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट पीपल मे टेक अप वायलेंट मीन्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेज। व्यक्ति क्या करता है, कभी कभी हिंसक व्यवहार कर देता है, ठीक है। Use of violence causes a great deal of suffering, loss of life and property। इससे क्या होता है, आपस में जो समाज के लोग होते हैं उन्हीं की loss of life and property होती है। It also creates tension among the people who live in the affected area or whose near and dear ones have been injured। कभी कभी तो क्या होता है कि अगर इस तरह की हिंसाएं होती हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं जिसका उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो या उस जगह के हिंसक, जो जहाँ पे हिंसा हो रही है वहाँ के आसपास रहते हैं, तो ये उस जगह पे भी जो है क्या करता है, लोगों के बीच में एक टेंशन क्रिएट कर देता है। स्टूडेंट दिस इज होमवर्क, गुड टू नो, ओके, गो थ्रू दिस पैराग्राफ। ड्यूरिंग सच कंडीशन इट इज द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रिंगिंग पीस। जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट का काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो द्वंद है उसको रिजॉल्व करे, उसको खत्म करे और शांति को बनाए रखे। द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन टेकिंग डिसीजंस विच सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो पुलिस है, जो लोकल अथॉरिटी है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल होता है कि वो एक निश्चित निर्णय ले, एक सही निर्णय ले और लोगों की समस्या का क्या करे, समाधान करे। For instance, if a religious celebration or procession is likely to create tensions in a certain area, then the police or the local leader may suggest a different venue or route। क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई जब त्यौहार होता है, जब मूर्ति विसर्जन होता है या जुमे की नमाज होती है, तो क्या होता है, रूट डाइवर्जन हो जाता है। ये गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट को पता है कि कुछ रिलीजियस सेलिब्रेशन है या प्रोसेशन है, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, रूल रेगुलेशंस नए नए फॉलो करती है, रूट डाइवर्जन करती है और अपना डिसीजन लेती है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो रिलीजियस सेलिब्रेशन है ये हो सके। The local authorities may ensure that the leaders of the different communities living in that area arrive at a solution that suits all. The police would also take precautionary steps to ensure that the celebration take place peacefully. होता है, जो local authorities है, किसी भी जगह पे जो ये celebrations होते हैं, processions होते हैं, वहाँ की local authority, वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी function जो भी हो रहा है उसको एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वो उसको संपन्न करा दे। Conflicts may occur between two states or between the state government and the
गवर्नमेंट एट द सेंटर। कभी कभी दो स्टेट्स के बीच में द्वंद्व हो जाता है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में द्वंद्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ और स्टेट्स थ्रू विच द रिवर पासिस, होता है ना कि अगर दो राज्य से होकर कोई बीच से नदी जा रही है तो उस नदी के पानी के लिए द्वंद्व हो जाता है। तो ये सब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको भी गवर्नमेंट क्या करती है, रिजॉल्व करती है। आइए नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग, इक्वेलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। इक्वेलिटी एंड जस्टिस आर द टू की प्रिंसिपल्स विच मेक डेमोक्रेसी मीनिंगफुल। ये दो वो शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो डेमोक्रेसी को बहुत ही अर्थपूर्ण बनाते हैं। द सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होता है देश की सरकार को बनाने में। द एविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। जो कहते हैं ना अपृश्यता, इसको एकदम खत्म कर दिया गया है हमारे न्याय, मतलब हमारे संविधान में ये अपृश्यता वाली अब कोई बात ही नहीं रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज द राइट टू इक्वेलिटी एंड स्पेशल प्रोविजन्स हैव बीन मेड फॉर दो सोशल ग्रुप्स विच आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। क्या है, जो सरकार है रिकॉग्नाइज द राइट टू इक्वेलिटी, इसने पहचाना है कि हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, एंड स्पेशल प्रोविजन्स हैव बीन मेड फॉर दो सोशल ग्रुप्स, और उस सामाजिक समूह के लिए एक कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं विच आर जिसको जो है जिनके खिलाफ जो है भेदभाव होता है, जिनके खिलाफ हम भेदभाव होता है उसके लिए कुछ अलग से रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल प्रोविजन्स हैव बीन मेड इन आवर कंट्री फॉर वुमेन, जैसे महिलाओं के साथ भी बहुत भेदभाव शुरू से होता आया हुआ है तो उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजन्स बनाए गए हैं, एंड बच्चों के लिए भी बनाए गए हैं स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, मतलब खासकर किसके लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए। आर्टिकल 7 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो नियम कानून है उसके सामने सभी व्यक्ति समान है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 7 टू इक्वल प्रैक्टिसेस ऑफ लॉ, ठीक है, उनके साथ समान नियम कानून, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग का है उसके साथ समान कानून का वो होगा। इन इंडिया एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स कलर कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है, सरकार के सामने नियमों के सामने कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होगा, समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी लिंग का, रंग का, जाति का या धर्म का है। सिटीजन नीड टू वर्क टूगेदर टू क्रिएट अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। ये व्यक्ति का, हर प्रत्येक सिटीजन का, हर नागरिक का वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब लोग जो है क्या करें, एक साथ आगे बढ़ें और एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का निर्माण करें। दे हैव टू टेक कीन इंटरेस्ट इन व्हाट इज गोइंग ऑन, बी पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फियरलेसली। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए वो सरकार में अपना इंटरेस्ट ले, नियमों को, कानून को, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को जाने और अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो स्वतंत्र रूप से करे। They should be willing to participate in the process of decision making in a consecutive way. ठीक है, और वो क्या करें, जो decision making है उसमें वो भाग ले, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक। Students, this chapter is completed. It's a very important chapter. In this chapter you can know your आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपको क्या क्या अधिकार सरकार से प्राप्त है। तो students, this is very important chapter. Go through the chapter. And prepare it nicely. Okay, students?